हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू क्वर्कीज बर्थडे व्लॉग। दिस इज नॉट माय बर्थडे। आज के एजेंडा पे ये है कि आई हैव टू गेट माय फेशियल डन एंड मैं अपने नेल्स चेंज कराने वाली हूँ। आई लव 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 दीज नेल्स, बट ये ग्रो हो गए हैं, थोड़ा सा इरिटेट करने लगे हैं एंड आई हैव दिस रियली कूल नेल आर्ट या फिर नेल डिज़ाइन इन माइंड, जो कि मैं अपने स्पेसिफिकली बर्थडे पे लियो सीजन पे कराना चाहती थी एंड आई एम जस्ट गोना डू दैट टुडे। एंड जैस्मिन के साथ मेरा ना बहुत अच्छा एक रेपो बैठ गया है कि साथ में वो जब फेशियल भी कर देती है ना तो मेरे को वो रिएक्ट नहीं करता। लाइक मोस्ट फेशियल जो मैं पार्लर में कराती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है बट उनका काफ़ी माइल्ड होता है and it just gives me a good brightness and मेरी skin काफ़ी smooth लगने लगती है। So I do that quite often, like 2-3 month में एक बार मैं facial करा लेती हूँ। So that is the plan for today. So without any further ado, let's get started. Been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a break up? When life tries to test me, बर्थडे। एक मिनट, चश्मा पहन लूँ, कांट सी यू प्रॉपरली, अब ठीक है। सो इट्स 28th ऑफ जुलाई, इट्स माई बर्थडे। आई एम वेरी स्लीपी एंड ग्रॉगी राइट नाउ क्योंकि अभी 6:17 हो रहे हैं। आई मेक इट अ पॉइंट कि बर्थडे के टाइम तो अर्ली उठ ही जाऊँ। आज कुछ स्पेशल है, स्पेशल ये है कि आज मेरा जन्मदिन है एंड आज और भी स्पेशल है क्योंकि मॉम और मैं जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर भोग लगवाने। दिस इज समथिंग दैट वी डू एवरी ईयर ऑन आर बर्थडे। देर आर सम थिंग्स जो मैं व्लॉग नहीं करती, सम थिंग्स जो आई डोंट नो मैंने नहीं किया व्लॉग बिकॉज आई थॉट कि ये बोरिंग होगी और मेरे बर्थडे व्लॉग की वाइब के साथ नहीं जाएगी, बट आई रियली वॉन्टेड टू टेक यू गाइज़ अलॉन्ग दिस जर्नी जिसमें मैं ट्रूली जैसे पसंद करती हूँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, वैसे आप लोगों को दिखाऊं। सो आई एम सॉरी अगर पीछे हल्की सी आवाज़ आ रही है ना, घर की मोटर अभी ऑन की हुई है। तो येस्टरडे वॉज अमेजिंग। मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को दिखाया था, मैंने अपने नेल्स करा लिए थे जैस्मिन कौर से एंड दीज आर सो नाइस। दीज आर लाइक पैंथर लियो की फैमिली का लियो नेल्स एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड दीज। वी आर जस्ट टू अबाउट डिड माय स्किन केयर ताकि मैं फटाफट से तैयार होकर ब्रह्मा कुमारीज जा सकूँ एंड ओ माई गॉड, अहमद सर ने इतनी अच्छी हेयर फॉल प्लस पता नहीं क्या पूरे फॉलिकल्स हेयर के खोलने वाले, हेयर को स्ट्रेंथन करने वाले, बालों को इतना ऐसे सिल्की स्मूथ करने वाला मुझे हेयर स्पा दिया था। इट वाज सो गुड एंड रिलैक्सिंग। जाहिद ने मसाज की पूरा आई थिंक आधा घंटा लग के, मुझे ऐसा लग रहा मेरा बर्थडे वही बन गया था एंड मैं इतना फूल गई थी रिलैक्स होके। सो आई हैड अ गुड नाइट स्लीप। आई एम जस्ट गोना गो चेंज इनटू समथिंग वाइट क्योंकि वो आकर थोड़ा जैसे हर स्कूल का ड्रेस कोड होता है ना, वैसे ब्रह्मा कुमारी इसका भी, जैसे वो अपने आप को विश्वविद्यालय बोलते हैं ईश्वर का, सो वहाँ पे आपको वाइट ज़्यादातर प्रेफरेबल होता है। ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है बट आई जहाँ जाते हैं वहाँ का थोड़ा रंग में रंग जाना चाहिए। सो आई हैव दिस न्यू सूट दैट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम मिंत्रा स्पेशली फॉर दिस ओकेजन। क्विकली वॉन्टेड टू शो यू गाइज माई आउटफिट। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल अनारकली दैट आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा आज ही के स्पेशल ओकेजन के लिए।
दिस इज़ क्वाइट लूज एंड मॉडर्स्ट एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू ड्रेस दिस वे. साथ में मैंने वाइट पजामी पहनी है मम्मी की, बिकॉज मेरे पास खुद की नहीं है. एंड आई एम वेयरिंग दीज, आई डोंट नो वॉट आर दीज कॉल्ड, बट आई एम प्रीटी श्योर मैंने लाई थी उदयपुर से, एंड दीज आर लाइक सो प्रिटी. साथ में मैंने ऐसे छोटू से इयर रिंग्स पहन लिए हैं जस्ट बिकॉज इट्स माई बर्थडे. एंड मेकअप वगैरह नहीं किया, लेंस वगैरह नहीं लगाने वाली. आई एम टॉकिंग रियली स्लोली बिकॉज रबड़ा इज स्लीपिंग. बट या दैट इज द लुक फॉर द डे. गुड मॉर्निंग. मेरी मॉम ने भी बहुत ही सुंदर कुर्ता पहना है आज. दिस ऑल्सो फ्रॉम मिंत्रा एंड मैंने ये सिलेक्ट आउट किया था उनके लिए. आई रियली लाइक जो साइड में भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है. आर यू एक्साइटेड फॉर भोग? मेरे बेटी के बर्थडे के लिए. चलो लेट्स गो. मॉर्निंग सिम्बू. सिम्बा वॉज अ गिफ्ट फॉर मी 9 years बैक एंड आज भी मैं उसी से मिली थी आज के दिन 2013 में. ओके, वी आर ऑफ टू ब्रह्मा कुमारी सेंटर इन जनकपुरी C2 ब्लॉक. इन केस एनीवन इज वंडरिंग, आपको मेरी माँ या कभी कभी मैं भी दिख सकती हूँ. बट हाउ एक्साइटेड आर यू? आज हम भोग लगाने जा रहे हैं. बहुत एक्साइटेड हूँ और आज का इतना शुभ दिन है कि थर्सडे को हर थर्सडे भोग लगता है. हाँ, थर्सडे इज अ स्पेशल डे फॉर ब्रह्मा कुमारी. हाँ, तो थर्सडे को ही इसका बर्थडे पड़ा इस बार, कितनी खुशी की बात है. तो यू गाइस नो मैं कभी कभी शेयर करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे दैट आई वॉच सिस्टर शिवानी की वीडियोज बीच बीच में. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्न उनके वीडियोज में, जैसे आप खाना बनाते हो, जो भी घर में कुक होता है या फिर जो भी खाना बनाता है, वो किस वाइब्रेशन से खाना बना रहा है, उसके दिमाग में क्या सोच चल रही है, क्या वो हैप्पी थॉट से बना रहा है या फिर वो गुस्से में हंसी कुछ पैनिक में बना रहा है, तो उससे आपके पेट के अंदर जो अन्न जाता है ना, और उससे आपका जो पूरा डे होता है या फिर जो नेचर होती है वो बहुत इफेक्ट होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मम्मी जब भी खाना बनाती है शी कीप्स फुल ध्यान कि अच्छी वाइब्रेशंस के साथ बनाए ताकि फैमिली में सब कुछ अच्छा और हम उछलने लगे. बट वी आर गोइंग एंड आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू व्लॉग देयर बिकॉज वहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं होता कैमरा. इट्स जस्ट फॉर लाइक जाओ मेडिटेशन करो एंड हैव अ गुड पीसफुल टाइम एंड कम बैक. लाखों लाख बधाई तुमको, लाखों लाख बधाई तुमको. जन्म तारीख जो आई है आपको मैं कह रहा हूं कि लाखों लाख बधाई तुमको, जन्म तारीख जो आई है. और सबसे ज्यादा खुश किस्मत तुम ऐसी माँ जो पाई है. Just got done with the Murli class and bhog. It was so good, so peaceful. आज मेरे को जितने भी time तक मैंने attend किया आज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया. Not because मेरे को stage पर बुला के उन्होंने happy birthday wish कराया, but just the things जो आज उन्होंने discuss की. And वहाँ पर एक और uncle थे जो काफ़ी जैसे बड़े थे, बुजुर्ग टाइप के, एंड उन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली. एंड जब उन्होंने बोला स्टार्ट किया ना, आई थिंक 2-3 सेंटेंस के बाद ही आप तो उनको देख रहे थे, मेरे को ऐसे नाना और जैसे, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं नहीं अभी हमारे साथ, तो मेरे को एकदम से ऐसे लगा कि अगर आज वो मेरा ऐसे देखते कि मैं क्या हो गई हूँ, क्या बन गई हूँ, और वो मेरे को देखते लाइफ में सक्सीड करते हुए, वो कितने प्राउड फील होते. तो मैं उनकी प्रेजेंस इतनी मिस कर रही थी. ब्लेसिंग्स भी तुझे फील हो रही है? काश नाना नानी होते तो वो मेरे को ऐसे देख पाते. एंड मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा था. कोई हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है ना ऐसे, तो बड़ा जैसे उनको देखा बहुत अच्छा लगा. रोते नहीं है बर्थडे वाले दिन? बट यहाँ पे आके एक ऐसा पीसफुल वो शांति मिलती है जो कहीं नहीं मिलती. आई गो होम एंड चेंज बिकॉज इट्स टाइम फॉर आउटफिट नंबर 2. आज मेरे बहुत आउटफिट चेंज होने वाले हैं. पापा इज कमिंग टू पिक अस अप. ऐसी रोती हालत में, बट लेट्स गो बैक आफ्टर अ बाथ. वॉन्टेड टू शो यू गाइज व्हाट आई एम प्लानिंग टू वेयर टुडे. सो दिस इज अ ड्रेस जो मैंने फेमिना मामा अर्थ के इवेंट के टाइम पे ली थी, बट माई मॉम फोर्स मी कि तू नॉमिनी है तो कुछ ग्लिटरी स्पार्कली पहन के जा. तो ये तब से टैग लगी हुई आई हुई, आई थिंक इसको 2-3 महीने हो गए हैं. बट इट इज फ्रॉम लेबल रितु कुमार. ये मैंने ली थी मिंत्रा से. सो इट्स अ वेरी प्रिटी फ्लोरल ड्रेस जिसके यहाँ पे आगे जिपर लगा हुआ है, बीच में से वेस्ट सिंचिंग टाइप का इफेक्ट है. एंड जस्ट व्हेन आई वेयर इट
कैन शो यू गाइज़ में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है. एंड दीज आर माई न्यू थिंग्स दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ. दीज आर नेकेड वॉल्व हील्स एंड ये बिल्कुल ईट की तरह है. किसी को मारोगे तो आई थिंक उसका बचना इम्पॉसिबल है. बट दीज आर कॉल्ड देयर जिंगल हील्स बिकॉज साइड में ना इसके बहुत सुंदर ऐसे चार्म लगा हुआ है ग्लिटरी सा. सो आई रियली रियली डू लाइक इट एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू वेयर समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स टुडे. सो ये मेरा आज का लुक होने वाला है. ड्रेसेस के नीचे मैं हमेशा ना ऐसे टाइप के साइकिलिंग शॉर्ट्स पहनती हूँ जो कि थोड़ा सा ऊपर हाई वेस्ट होते हैं जिससे मैं थोड़ा सिक्योर फील करूँ. सो आई गेस माई इंस्टाग्राम फैम नोज अबाउट दिस बिकॉज आई शोड दीज इयर रिंग्स टू यू गाइज. ये मैंने अपने फैमिली ज्वेलर से लिया है विच आर कस्तूरी ज्वेलर्स विकासपुरी से. एंड रैंडमली मुझे पसंद आ गया. मेरी मम्मी अपना कुछ ठीक कराने गई थी सेट का कुंडा एंड ये मुझे की और हार्ट वाले इयर रिंग्स बहुत पसंद आया. दिस इज गोल्ड एंड डायमंड. सो आई थिंक दिस विल एड जस्ट द बेस्ट अमाउंट ऑफ डेंटी इन माई आउटफिट एंड या दैट्स गोना बी इट. अभी ना बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है. मैं फटाफट से तैयार होकर आपको बताती हूँ. आई गॉट रेडी. दिस इज द बर्थडे लुक. मेरे पास बहुत कम टाइम था बिकॉज द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज कि कुछ स्पेशल हम करने वाले हैं इज दैट हमारे यहाँ घर में जो काम करती है ना मीनाक्षी दीदी और रेखा दीदी एंड दीज टू आर द पिलर्स ऑफ माई हाउस होल्ड. तो मैंने क्या किया आई आस्क्ड देम कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है. रेखा दीदी का जो गुलाबी और पिंक होता है वो था एंड मीनाक्षी दीदी का ब्लू था जो टर्कोइज या ब्लूइश कलर में होता है. और उन दोनों को मैंने मिंत्रा से एक एक कुर्ता मंगा के दिया साथ में पजामी एंड ऑल. मैंने सबको बोला कि 28 जुलाई को सबको ड्रेसअप होके सुबह सुबह 11 बजे आ जाना है एंड देन हम क्या करेंगे हम केक कटिंग करेंगे. सो आ गई है. अभी मैं एकदम नहा के आ रही थी सो दे वर लाइक हैप्पी बर्थडे. मैंने कहा हमें दो मिनट में आई. थैंक यू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Gurju. Happy birthday to you. So I just got a surprise. Jasmine from Kohinoor Jewelry has sent this cake flowers and a person जो हमारे लिए live perform करेंगे music, which is great. I didn't expect this at all. So much. Hello you guys. So we are cutting this cake. We just blew the candles off and I am live on Instagram and मैं सबके साथ बर्थडे मना रही हूँ. वो those of you who ये देख रहे हैं उनको व्लॉग में भी दिखेगा कि ये कैसे मैंने सेटअप किया हुआ है. बट आई एम जस्ट सो हैप्पी टू बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे विद यू गाइज. एंड आई डोंट थिंक कि मेरा कोई भी बर्थडे कोई भी अचीवमेंट कोई भी लाइफ का हैप्पी पल हो इवन सैड पल भी हो वो आप लोगों के बिना आई थिंक इट्स इनकम्प्लीट. So thank you so much for all the wishes. I'm gonna cut the cake. Okay, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. This is for you guys. Yellow purple cake. I purple you. Let's just taste it. मैं आप लोगों को इसके through taste तो नहीं करा सकती but I will tell you guys how's the taste. So screenshots of Poolan Devi. प्लीज सेंड मी स्क्रीन शॉट यार मैं रिपोस्ट करूँगी. थैंक्स. थैंक यू सो मच इतने ज़्यादा प्यार के लिए एंड आई विल सी यू गाइज ऑन यूट्यूब नाउ. बाय. लव यू. वी आर इन द कार. एवरी वन लुकिंग गुड. सब तैयार होके. रवि की आज टी शर्ट कितनी प्यारी लग रही है ना. रबड़ू क्या खाओगे. सो अभी जी के ना 47 मिनट दिखा रहा है मैप पे एंड आई जस्ट रिमेम्बर्ड जब मैं लाइव पे थी ना अभी केक काट रही थी. सो माई फैन पेज उन्होंने बोला था देर इज़ अ सरप्राइज कमिंग फॉर यू एट 1 PM. क्वर्कीज वर्ल्ड है फैन पेज का नाम एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड माई रिएक्शन बिकॉज लास्ट ईयर भी उन्होंने इतना सुपर्ब प्लान किया था. दे ऑल सैंग कभी कभी आदिति फॉर मी. सो लेट्स सी इस टाइम क्या सरप्राइज है. Our
Ninja, Quirky's World, Quacro FP and Dwala. स्पेशली आजकल केसरिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड गली में आज चांद निकला इज एन ऑल टाइम फेवरेट बट थैंक यू आई एम सो ग्रेटफुल एंड बहुत 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 मजा आया यू गाइज नो आई लव सरप्राइजेस गिविंग एंड रिसीविंग सो इट वॉज जस्ट सच एन अमेजिंग टाइम वॉचिंग इट लाइव एंड जस्ट टू बी एबल टू शो इट अपने ब्लॉग में सो थैंक यू आई नो यू कम एज यू प्लीज स्टिल आई वेट सो पेशेंटली योर किस इज सो जुलाई हो मेरा बर्थडे हो और बारिश ना हो ये हो नहीं सकता हर साल द वेदर मदर नेचर इज कंसिस्टेंट विद माई बर्थडे आई हेट रेन्स बट इट्स ओके हमने अपना अच्छे से लंच कर लिया है रवि मैं और मम्मी बाहर वेट कर रहे हैं इनके आउटसाइड एरिया में पापा गाड़ी लेने गए हैं एंड आई कैन सी द कार चलो चले अंदर बारिश से बचते बचाते कटिंग वॉज फैब्यूलस आफ्टर अ लॉन्ग वाइल आई फील लाइक मैंने अपनी फैमिली के साथ लाइक होलसम उस वे में इंजॉय किया है एंड वी हैड लॉट्स ऑफ टाइम टू स्पेंड टुगेदर एंड फोटो क्लिक कराना एंड फाइनली मेरे पास इस बर्थडे की एक फैमिली पिक्चर है हमेशा हम भूल जाते हैं एक दूसरे के साथ खिंचवानी सो आई एम रियली हैप्पी मैं अभी ईशान की कार में हूँ वो कुछ लेने गया है बट जैसे ही मैं घर से बाहर निकल रही थी उसकी कार में एंटर करने के लिए देर वॉज अनदर डिलीवरी आज फर्न्स एंड पेटल्स वालों की बहुत कमाई हो गई है तो सारे मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स उसी से भेजे जा रहे हैं सो आई गॉट दिस वेरी प्रिटी हैम्पर सॉर्ट ऑफ थिंग एंड अभी तक जितने आए ना उसमें से सबसे सुंदर पैकेजिंग मुझे इसकी लग रही है दिस लाइलैक पर्पल कलर विद व्हाइट रोजेस एंड दिस इज सेंट बाय माऊ एंड शी आल्सो सेंट दिस व्हिच आई डोंट नो आई फील लाइक ये फेरेरो रोशर चॉकलेट हो सकती है मैंने सही बोला था दिस इज द चॉकलेट एंड आई टुक माई मेड्स आई फील लाइक आई विल डू फाइन रात तक बट आई एम गोना हैव दिस बिकॉज मेरा पेट अभी फिर से खाली हो गया है इफ यू नो व्हाट आई मीन बट थैंक यू सो मच माऊ फॉर सेंडिंग दिस ओके ईशान इज हेयर फाइनली क्या लाए आप लेज लाए थैंक यू फॉर द
बेस्ट गिफ्ट एवर। ओह माय गॉड, ही इज टेकिंग मी टू मिवांता फॉर अ मैसेज। ही जस्ट टोल्ड मी कि उसने पहले मसाज बुक की है, विच आई थिंक इज अ ब्रिलियंट आइडिया, क्योंकि मैं जो बंदा मुझे ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट जानता है अभी तक, दे नो आई हैव बीन क्रेविंग अ मसाज, सो आई एम रियली हैप्पी। Therapist, the masseuse, oh my god, it was amazing. She advised me कि मैं 1 hour तक ये oil body में लगा के रखूँ, it has good benefits. Hello, hello, I am ready. This is the final look which you guys chose कि मुझे birthday पे क्या पहनना चाहिए, and it was like this black dress was a clear winner. So मैंने वैसे ही style किया जैसे video में किया था, same जो मैंने आपको get ready with me फॉर माई बर्थडे वाला मेकअप दिखा था वैसा ही मेकअप किया था, आई चेंज द लिप अ लिटिल बिट, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज द सेम। आई एम सॉरी फॉर द पॉट यार, मतलब आई चोज द वर्स्ट लोकेशन टू शो यू गाइज माई आउटफिट, बट दिस इज वॉट द आउटफिट लुक्स लाइक। दीज आर माई शिमरी ग्लिटर हील्स फ्रॉम ज़ारा, एंड विद दैट आई एम टेकिंग दिस क्लच राइट हियर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। सो दिस इज गोइंग टू बी द फुल आउटफिट। आई डोंट नो वेर आई एम गोइंग, यहाँ गुड़गांव में ज़्यादा लेट नाइट तक चलता रहता है सब कुछ सिलसिला, सो आई थॉट जहाँ की भी वाइब अच्छी लगी वहाँ चल लूँगी, लिटरली नो प्लान्स बट एन एक्सक्यूज टू वेयर दिस ड्रेस ऑन द बर्थडे। लेट्स गो आउट।